जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह इनके टिफ़िन के लिए खाना बना रही हूँ। यही स्टार्टिंग होती है मेरी ज़्यादातर रोज़ की। मंडे को यह है जो मेरा टाइम थोड़ा इधर उधर होता है, बाकी ज़्यादातर सिर्फ यही होता है स्टार्टिंग मेरा सुबह से। इनका टिफ़िन बनाना होता है, सुबह के काम करने होते हैं, बस वही। तो यहाँ मैं गोभी बैंगन आलू बना रही हूँ। लंबे वाले बैंगन होते हैं ना, वो वाले, पतले वाले, वो बैंगन। और बस सब्जी छौंक दी है वही सिंपल वाली तरीके से मैं। और उसके बाद यहाँ सब्जी छौंक दी है मैं, और उसके बाद मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। ये छोटी सी बाल्टी है हमारी, ये पूजा के लिए ही करी हुई है, हम जल वगैरह चढ़ाने जाते हैं सिर्फ इसलिए। तो नहा ली थी ना मैं, मतलब नहा के खाना बनाती हूँ। तो नहा के फिर सब्जी छौंक दी थी मैंने, क्योंकि सब्जी टाइम हो रहा था इनको, टाइम ड्यूटी जाने का। तो पहले सब्जी छौंक दी, उसके बाद फिर मैं यहाँ जल चढ़ाने आ गई। जब तक मैं ये सब करूँगी तब तक मेरी सब्ज़ी ना बन जाएगी। और बस यहाँ सूर्यनारायण भगवान को ना मैं जल चढ़ा रही हूँ। तो बस, और सूर्यनारायण भगवान थोड़े, मतलब ज़्यादा नहीं दिख रही है धूप, थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, बट कोई नहीं, क्योंकि मैंने कल नहीं चढ़ाया था इसलिए आज चढ़ा रही हूँ। और ये ना मेरा संडे का व्लॉग है, कल व्लॉग नहीं गया था मेरा, तो ये संडे का व्लॉग है। और ये मैंने ना गलती कर दी, ये देख रहे हो आप, तुलसी में मैंने संडे वाले दिन जल दे दिया। मैं भूल गई थी कि संडे है, बिल्कुल बाद में मेरे को याद आया। मेरे को ना कुछ काम होता है ना जो मैं गलत कर देती हूँ, फिर याद आता है मेरे को ये तो करना ही नहीं था। काम गलत काम करने के बाद में याद आता है, ये होता है। और ये आंवले का पौधा है, इसमें सूखी सूखी डंडी थी मेरे पिछले ब्लॉग में, अगर आपने देखा होगा तो। ये देखो, अब मैंने कितने अच्छे अच्छे पत्ते निकल आए थे, सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ करी पत्ते के भी मतलब फूल खिल गए हैं, और नए नए पत्ते सारे, मतलब सारे ही पत्ते हरे भरे आ रहे हैं। ये देख रहे, फूल भी निकल आया गुड़हल का, गुड़हल के पौधे में। और पत्ते भी इसमें देख रहे होंगे आप, नए नए पत्ते आ रहे हैं सारे सारे पौधों में, अब नए पत्ते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी छत पे आई हुई हूँ और जल चढ़ाने आई, आपने देखा। और टाइम भी हो रहा है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। और अभी मैं सब्जी बना के आई हूँ, बैंगन आलू बन रहे हैं। मतलब पहले हम सोच रही थी जल चढ़ाने आ जाऊँ, लेकिन मैं उनका सब्जी छौंक के फिर चली जाती हूँ, क्योंकि जब तक बनती रहेगी। और अब जाके रोटियाँ बनाऊँगी, आटा लगाऊँगी। और अभी ये नहा रहे हैं, मम्मी अपनी भागवत वगैरह पढ़ रही हैं, रामायण वगैरह पढ़ रही हूँ। नीचे मैं जल चढ़ाने आई थी, मैं कहा चढ़ा दूँ, कल मैं नहीं चढ़ा पाई थी कल, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उस चक्कर में नहीं, मौसम भी ठीक नहीं था कल का। तो आज तो मतलब बारिश नहीं हो रही, थोड़े थोड़े सूर्यनारायण भगवान दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, पर चलो कोई नहीं। और यहाँ पे ना पौधे सारे हरे भरे हो गए, मैंने दिखाए, गुड़हल का फूल भी आ गया एक, अभी पूरा खिला नहीं है ये, पर आ गया, सुंदर लग रहा है ना एकदम रेड रेड। पर अब नवरात्रे आ रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ आते रहें। माता रानी को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, अगर आप चढ़ाओ तो गुड़हल के फूल ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि माता रानी को गुड़हल बहुत पसंद है, बहुत। वैसे सारे फूल अच्छे हैं, लेकिन ये ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो चलिए जाती हूँ नीचे, खाना बनाऊँगी। ओह, सब्जी तो बनाने रखी हुई है, अब जाके रोटियाँ बनाऊँगी। और ये नहा रहे हैं, इनको भी फिर नाश्ता वगैरह करा के फिर ये भी निकलेंगे अपने काम के लिए। तो चलिए जाती हूँ नीचे, बाय। और यहाँ पे मैं नीचे आके फिर मैंने इनके लिए बना दी थी रोटियाँ, और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। सब्ज़ी बन गई थी, कब मैंने पहले ही सब्ज़ी बनाई थी सबसे पहले। तो यहाँ सब्ज़ी टिफ़िन में निकाल रही हूँ मैं इनके, ये स्टील के टिफ़िन में। तो ये मैंने टिफ़िन बंद कर दिया है, फॉइल पेपर ले लिया। अब इसमें मैं रोटियाँ पैक कर दूँगी इनकी, ये मैंने इनकी रोटियाँ। और पहले मैंने ये देखा, मैंने अभी समेटा भी नहीं था, पहले इनका पैक कर रही हूँ खाना, क्योंकि उनको लेट हो रहा है जाने में इसलिए। लेकिन फिर भी ये 2-4 मिनट अपने आप ही लगा देते हैं, कभी इनका वॉलेट नहीं मिलता, कभी इनका चश्मा इधर उधर है। तो बस फिर भी मैंने टिफ़िन पैक करके रख दिया, कहीं मेरे को नहीं बोलना मतलब इनको, नहीं तो ये मेरे को ही सुनाने लगेंगे तेरी वजह से लेट हो गया। तो यहाँ पर मेरे टिफ़िन वगैरह सब पैक हो गया। यहाँ पर मैं ये स्लैब साफ़ कर दूँगी। तो ये आटा लगा हुआ है, इसमें इसको ढक के फ्रिज में रख दूँगी। और ये स्लैब आटा हाथों से, पहले मैं हाथों से ही उठाती हूँ आटा सारा, हाथ गीले करके ना, गीले हाथों से ऐसे, क्योंकि फिर मैं कपड़े से नहीं पोंछती, कपड़े से बाद में पोंछती हूँ आटा पोंछने के बाद, क्योंकि कपड़े में अगर आटा लग जाता है तो आपको पता है ना, चिपक जाता है आटा कपड़े में तो बहुत ज़्यादा, फिर वो स्मेल भी करने लगता है
गर्मी वैसे ही है तो और स्मेल आती है, मतलब गर्मी हो रही है धीरे धीरे, अभी तो फ़िलहाल ठंड हो रही है बारिश की वजह से, तो इसलिए स्मेल आने लगती है। इसलिए मैं पहले ऐसे आटा उठा लेती हूँ फिर मैं कपड़े से करती हूँ। तो यहाँ मैंने चकला बेलन धो दिया है, मैंने तवा भी नहीं धोया, तवा गर्म है क्योंकि गर्म तवे पे पानी नहीं डालते, इसलिए यहाँ मैंने गैस भी साफ़ कर दिया क्योंकि गैस पे आटा वगैरह चला जाता है। और ये गाय माता की रोटी निकाल के रखी हुई है, तो यहाँ पे मेरे सारे में थोड़ा बहुत आटा उटा हो जाता है ना, तो ये स्लैब पूरे साफ़ करूँगी और साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ये चीनी चाय पत्ती के डब्बे रखे हुए हैं, और यहाँ पे फ्रिज में लगा के रख देती हूँ कपड़े। और यहाँ पे ये पॉलीथीन कूड़े फेंकने के लिए काम आ जाती है, तो मैंने इनका बैग और ये टिफ़िन देखो अभी भी मैंने देखो स्लैब भी साफ़ कर लिया, अभी भी ये निकले नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही रहे अंदर। तो बस यहाँ पे मेरी गैस वगैरह साफ़ हो गई है, अब जो बर्तन वगैरह है वो धो लूँगी बाद भगवान जी के। तो यहाँ पे पूजा वूजा कर ली थी, उसके बाद ना यहाँ पे उन्नति मेरे को कह रही थी सुसु आ रहा है उसे, और यहाँ पे मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं बता रही हूँ ना मम्मी की तबीयत ख़राब ही चल रही है, तो मम्मी लेटी हुई है, उनको ठंड भी लग रही है इसलिए। और यहाँ उन्नति मेरा फ़ोन छीन रही थी, ये देखो वो मेरा फ़ोन छीन रही थी, मन का वीडियो भी नहीं बनाने देती है तो फ़ोन छीनने लगती है, उसके पास अगर फ़ोन ले जाओ ना तो बस। और ये देखो, और यहाँ पे ये है दोपहर का टाइम, दोपहर में 2:30 का टाइम हो रहा है, ये एकादशी का अगला दिन था, ये मतलब द्वादशी वाले दिन का है, तो यहाँ मेरे को चावल ज़रूर बनाते हैं द्वादशी को, तो यहाँ मैंने चावल बना लिए थे, राई का तड़का लगा के बनाए थे चावल, सिंपल, ज़ीरा नहीं था क्योंकि ज़ीरा ख़त्म हो गया, तो इसलिए तो मैंने राई वाले बना दिए, पर राई वाले भी बहुत टेस्टी लगते हैं चावल। तो यहाँ मैं मम्मी के लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग पहले लगा दिया मैंने, उनके लिए चावल बनाए थे मैंने। और यहाँ पे गोभी बैंगन आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये थोड़ी सी ना उड़द की दाल रखी है रात वाली, रात को मैंने उड़द की दाल बनाई थी, मतलब शनिवार की रात को बनाई थी, और ये संडे का है पूरा ब्लॉग, इसलिए यहाँ मैं मम्मी को दे रही हूँ। मम्मी अभी हाथ धोने जा रही हैं अपने, और यहाँ ये उन्नति ने अपना तामझाम फैलाया हुआ है, ये ऐसे ही रखती है पूरे बेड को, तो बस सारा एलोवेरा जेल ये सब बखेर के रखती है। और यहाँ मैं खाना हटा रही हूँ क्योंकि ये अपने हाथ लगा देगी, गरम गरम सब्ज़ी है जल जाएगी, तो इसलिए। और ये शाम को 7 बजे, हाँ शाम को 7 बजे का टाइम है। और यहाँ मैंने दिन में ना छोले भिगो दिए थे, तो मैंने यहाँ छोले उबालने रख रही हूँ, क्योंकि कई दिन से मन बोल रही थी मम्मी, बार बार मैं भूल जा रही थी छोले छोले, फिर मैंने भिगो दिए, याद आ गया छोले भिगोने, तो शाम दोपहर में मैंने छोले भिगो दिए थे। और इसमें मैंने छोले ना धो के ही भिगोए थे, तो इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया, तो उनका मतलब वैसे ऐसे ही भिगोने चाहिए धो के, फिर डायरेक्ट रख दो उबालने बस। और यहाँ मैंने नमक और हींग डाली है, हल्दी भी डाल सकते हो आप, मैंने बस नमक हींग डाल के रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं फिर उसके बाद जब तक मेरे छोले उबलेंगे ना तब तक मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने दिए लगा दिया, यह गुरु जी का दिया और ये राधा कृष्ण का दिया यहाँ ऊपर, तो बस। और ये गणपति बापा मतलब शिव परिवार है ना नीचे, उनका दिया ये सब। और अभी मेरी माता रानी मेकओवर के लिए गई हुई हैं, और जब मैं ले गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई इसके लिए सॉरी, बट आएंगी तैयार होके तो मैं इनको दिखाऊंगी। और ये आरती करते हैं इस वाले दिए से, और ये दिया एक चौखट पे लगाने के लिए, मतलब दहलीज पे, बीच दहलीज पे, ये पितरों का दिया जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनका दिया रोज़ लगता है सुबह शाम, तो ये मैं दहलीज पे दिया रख रही हूँ। ये ऐसे कहते हैं शाम के टाइम नरसिंह भगवान बैठे होते हैं यहाँ पे, मतलब दोनों टाइम, तो इसलिए यहाँ दिया ज़रूर जलाना चाहिए। लक्ष्मी माता के आती है घर में, मतलब वो तो अपने घर में है, मतलब पर फिर भी जलाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अच्छा होता है वहाँ पे दिया जलाना, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी आरती, तो बस पूजा जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है। और बस अब नवरात्रे आ रहे हैं तो मंदिर की सफाई वगैरह करनी है, वो मुझे आज ही करनी है सफाई, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा जब मैं सफाई वफाई करूँगी। यहाँ उन्नति ना मिट्टी खाने के लिए बस ताक में रहती है, देखो ये छेद हो रहा था पीछे पहले से, तो उसमें उसने उंगली डाल के और छेद कर दिया उंगली से। तो यहाँ मेरे छोले उबल गए हैं अच्छे से, मतलब एकदम खड़े खड़े नहीं है, बिल्कुल सही है, सॉफ्ट हो गए, तो बस इनको थोड़े से मैश कर लूँगी। और यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है, मैंने डाल दिया है बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, हींग, ज़ीरा नहीं है अभी, तो यहाँ पे हरी मिर्ची, टमाटर, बस यही सब। आप अगर लौंग पसंद करते हो लौंग डाल सकते हो, काली मिर्ची भी डाल सकते हो,
अगर आप पसंद करते हो तो। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला, फिर ज़्यादा गरम मसाला हो जाता है तो उनको खाने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो मना करते हैं कि गरम मसाला मत डाला कर। इसलिए मैं डालती हूँ पर कम डालती हूँ। और यहाँ मेरे पास टमाटर मैंने पीसे वीसे नहीं है, मेरी मिक्सी का हाल बुरा हाल हो रहा है अभी फ़िलहाल, मिक्सी का जार मतलब ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैंने बस छोटे छोटे टमाटर बारीक टमाटर काट के उनको अच्छे से मैश कर लिया, मसाले में पका लिया। और यहाँ मैंने डाल दिए अपने छोले, तो बस ये मैंने इतना पानी रखा है छोलों में, अभी उबाल आएगा इसमें, उबाल आ गया, इसमें मैंने डाल दिया कस्तूरी मेथी, अभी इसे और उबालूंगी, अभी थोड़े से पतले लग रहे थे। उसके बाद चावल बनाऊंगी, बस छोले चावल ही बनाऊंगी शाम को खाने में। और यहाँ पे मैं, ये है मंडे का ब्लॉग, मंडे का क्लिप है सॉरी, यहाँ मैं मंडे को सुबह सुबह मैंने सबसे पहले लगा लिया मशीन, और अभी मम्मी जाएंगी नहाने, मम्मी कर लेंगी पूजा, मैं कर लूँगी कपड़े धोने का काम, कपड़े नहीं धोए थे बारिश की वजह से, अब बारिश मोटी सी मक्खी बैठी थी अभी कपड़ों पे। और मौसम आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, काले बादल, बारिश होने वाली है। और आज दिन है मंडे और अभी टाइम हो रहा है 1:15 दोपहर के, तो मैंने कपड़े धोए थे अभी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उनने थी, एक तो मेरा फ़ोन चला रही थी इसलिए। और कपड़े ना जो जो सूख गए हैं वो लेने आई हूँ मैं, ज़्यादातर सूख ही गए होंगे, काफ़ी देर के डाले हुए। और मैं नहा ली हूँ, नहा के मैं अभी आई हूँ जस्ट अभी, क्योंकि कपड़े धोए टाइम लग गया था मुझे, 12:30 बजे तक तो मैं कपड़े धो के हटी। फिर ना क्या हुआ, बाथरूम साफ़ करना था, आज मंडे को ही करती हूँ क्योंकि मैं, इसलिए तो बाथरूम भी कर दिया साफ, इसलिए टाइम लग गया नहाने में। अब नाश्ता वगैरह बनाऊंगी आज, नाश्ता मंडे को ऐसे ही होता है हमारा दिन। और काले काले बादल हो रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है, इसलिए बारिश होगी सॉरी, लेकिन हाँ हो ही रही है, कहीं अलग दूसरे और जगहों पे बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं कहीं कहीं तो सुना मैंने। और मैंने ना कंबल भी धोया था, वो दिख रहा है सामने, वो कंबल धोया था क्योंकि इसमें कल उन्नति ने ना सूसू कर दिया था, लेकिन मैंने धो दिया था वहाँ से, सूसू वाली जगह से धो दिया था, लेकिन फिर भी ना अजीब सा लगता है, स्मेल सी लगती है तो मैंने धो दिया। और वैसे भी हल्की सी स्मेल लगती है तो मैं धो देती हूँ, मशीन में धुल जाता है आराम से, इसलिए धो देती हूँ। तो चलिए कपड़े उतार लेती हूँ मैं, सूख गए हैं कपड़े मेरे, जो जो सूख गए हैं उन्हें ले जाती हूँ। चलिए बाद में मिलते हैं, अब नाश्ते में क्या बनाना है क्या खाना है। कल की ना बैंगन आलू की सब्ज़ी रखी है, अभी थक, अब भूख लग रही है ज़ोर से काफ़ी देर से, और टाइम भी इतना हो गया है ना, कुछ भी नहीं खाया इसलिए, तो सोच रही हूँ पराठे बना लूँगी उसी सब्ज़ी के साथ। और छोले भी रात को बनाए थे, छोले भी रखे हुए हैं फ्रिज में, क्योंकि रात को ना मम्मी ने, इन्होंने सब ने बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाया, तो मम्मी का तो आजकल पेट ही ठीक नहीं है, मम्मी की तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मतलब कभी पेट में दर्द हो रहा है ना, कभी दस्त लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, और घुटने तो दर्द होते ही हैं मम्मी के, इसलिए तो कल उन्होंने खाना कम खाया, इन्होंने भी, मैंने भी फिर कम खाया, क्योंकि ज़्यादा खाना खा भी लो ना तो फिर पेट बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परेशान, तो इसलिए। तो चलिए इतने सारे कपड़े कैसे लेके जाऊंगी मैं, फ़ोन बंद करती हूँ फिर लेके जाती हूँ, चलिए मिल